हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अलफता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने थंबनेल बना हुआ है, बिहार का इतिहास, मतलब बिहार के आधुनिक इतिहास में एक टॉपिक है फ्रेंड्स कि बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ, और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मतलब 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो के एंड में सम्मिलित किया है, जोड़ा है। आप उसको ज़रूर बनाएं वीडियो को पढ़ करके, चैप्टर को पढ़ करके, जिससे अगर इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 67th UPSC में, तो आपसे मिस नहीं होगा। हमारा आधार किताब है फ्रेंड्स बिहार समान ज्ञान, जो क्राउन पब्लिकेशन का है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का हम। तो ये हमारे टॉपिक का नाम फ्रेंड्स, आधुनिक बिहार राज्य का गठन। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि बिहार अपने अस्तित्व में कैसे आया, जो अभी वर्तमान स्वरूप है बिहार का, वो किस तरह से हुआ। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि प्राचीन काल में बिहार मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। मगध साम्राज्य, मध्यकालीन भारत में बिहार जो है वो बंगाल का अंश बना दिया गया। आपने पढ़ा होगा किसका अंश था, बंगाल का अंश था। और फाइनली बंगाल से अलग करके बिहार को अलग किया, फिर बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, और फिर फाइनली 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य को अलग करके, जो अभी वर्तमान स्वरूप है बिहार का, वो अपने अस्तित्व में आया। तो बहुत बार उतार चढ़ाव देखा गया है इसमें बिहार में, बिहार के आधुनिक राज्य के गठन में। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंप्लीट को हम क्या करते हैं, चैप्टर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। प्राचीन काल से ही बिहार की पहचान एक अलग तरह की रही है। मुस्लिम शासन काल में ही बिहार ने अपना अलग अस्तित्व कायम बनाए रखा। मुगल शासन व्यवस्था आरंभ में तो व्यवस्थित रही, परंतु बाद के क्रम में जब कमजोर शासकों की वजह से मुगल व्यवस्था लड़खड़ाने लगी, दूसरी ओर यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां बिहार बंगाल में 17वीं शताब्दी के आसपास स्थापित भी होने लगे, तो 1774 में लगभग अंग्रेजों की फैक्ट्री पटना स्थित गुलजारबाग में स्थापित हो चुकी थी। जैसा कि इससे पहले कि हमने चैप्टर में देखा फ्रेंड्स कि मुगल सल्तनत में ये तो बंगाल का अंश था, और फाइनली वो क्या होता है, मुगल सल्तनत जैसे कमज़ोर, मुगल सत्ता कमज़ोर बढ़ती है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ अपने परवान चढ़ता है। उसी दरमियान अंग्रेज़ अपना 1774 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है, तो गुलजारबाग में स्थापित करता है। मुगल अफगानों सहित भारतीयों की कमजोरियों का फ़ायदा अंग्रेज़ उठाने लगे। उन कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए वे शक्तिशाली भी होते चले गए। अंग्रेज़ मजबूत होते चले गए और मुगल कमज़ोर होता चला गया। 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब सजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेज की सेना ने बक्सर के युद्ध में हरा दिया। आपको याद होगा फ्रेंड्स, 1764 बक्सर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है भारत के इतिहास में। तो उसमें क्या होता है, अंग्रेज जीत जाता है, और इन दोनों की कम्बाइन सेना, मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की, मुगल बादशाह शाह आलम की कम्बाइन सेना हार जाती है। इसी हारने के बाद 1765 में करा नामक स्थान जो कि इलाहाबाद में, उसमें एक क्या होता है फ्रेंड्स, एक युद्ध होता है फ्रेंड्स। युद्ध होने के पश्चात मुगल बादशाह शाह आलम पूरी तरह से अंग्रेज़ों पर आश्रित हो जाता है। आश्रित मतलब उसके अंडर में काम करने लगता है। अंग्रेज़ों के दबाव में आकर वह 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व रेवेन्यू का उसको प्रशासन दे दिया जाता है। मतलब टैक्स कलेक्शन का उसको अधिकार मिल जाता है, एक अधिकार मिल जाता है कि वो आप क्या कर सकता है, बिहार, उड़ीसा और बंगाल से टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। और यहीं से द्वैध शासन प्रणाली भी शुरू होगी, जैसा कि इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज़रूर उस वीडियो को जाकर देखें, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएं। और साथ ही साथ मैं बिहार का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, बिहार स्पेशल से लेकर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ना छोड़ें और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अंग्रेज़ बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने के साथ साथ राजनीतिक पकड़ मजबूत करते गए। चालाकी, बटमारी, धोखेबाजी, घूस, पाखंड, दगाबाजी आदि का सहारा लेते हुए वे बलशाली मुगल अफगानों के भी शासक बन बैठे। हर तरह की नीति को उन्होंने अपनाया, और फाइनली वो मुगल बादशाह, मुगल अफगानों के भी शासक बन जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन व्यवस्था चले जाने पर अंग्रेज़ों ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वरूप को अनेक परिवर्तन कर डाले। बहुत सारा परिवर्तन किया फ्रेंड, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इतिहास में। आगे बढ़ते हैं। कंपनी सरकार कलकत्ता में अपनी राजधानी स्थापित की, इस कारण प्रशासन में बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो कंपनी सरकार ने जो पूरे बिहार, जो कि बिहार अभी जो बिहार देखते हैं आप, अभी बिहार, साथ ही साथ इसमें आप क्या ऐड कर देते, वेस्ट बंगाल को ऐड कर दीजिए आप, साथ ही साथ इसमें उड़ीसा को ऐड कर दीजिए आप, और अभी का जो बांग्लादेश है आप उसको भी जोड़ सकते हैं। इन सब का सम्मिलित रूप क्या कहलाता था, बंगाल कहलाता था। और बंगाल चूंकि अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, इस पूरे का जो राजधानी बना दिया, वो कहाँ बना दिया, बंगाल को बना दिया, इस वजह से कलकत्ता को बना दिया।
कलकत्ता को बना दिया, और कलकत्ता में चूंकि जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल थे, ज़्यादा लोग थे, वो बंगाली थे, इसलिए इस पूरे इस पे किसका वर्चस्व स्थापित हो गया, बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। वे बिहार तथा उड़ीसा में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। सरकारी नौकरियों में शिक्षित बिहारियों को वे नौकरियों में आने से रोकने लगे। कलकत्ता में पढ़ रहे बिहारी छात्र के प्रति भेदभाव भी आगे देखते हैं भेदभाव भी करने लगे। इससे बिहारियों का स्वाभिमान जाग उठा। मतलब फ्रेंड्स, इस पूरे टॉपिक में अगर बात की जाए तो पूरे बंगाल में सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका स्थापित हो गया? बंगालियों का स्थापित हो गया। और साथ ही साथ वो क्या करने लगे? भेदभाव करने लगे। जो बिहार के लोग आने लगे या फिर जो उड़ीसा के लोग थे उनके साथ क्या करने लगे? भेदभाव करने लगे। इससे बिहारियों का स्वाभिमान जाग उठा। 1885 के समय शिक्षित बिहारियों में यह भावना भर उठी कि बिहार बिहारियों का है। इस भाव धारा से बिहारियों में एक मानस तैयार हुआ। और फाइनली यही एक विचारधारा बन के उभर के सामने आती है जब डॉक्टर बैरिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। तो ये जो थे, इन्होंने ही प्रयास किया सबसे पहले कि बिहार जो होगा वो क्या होगा, एक अलग राज्य का इसको दर्जा मिले और इसको बंगाल से अलग किया जाए। महेश नारायण बंगालियों के द्वेष भावना से चोट खाकर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कलकत्ता से बिहार वापस आ गए। 1894 में उन्होंने अपने संपादक में बिहार टाइम्स निकालना शुरू किया। ये एक मैगजीन था फ्रेंड, जो उन्होंने निकाला, किसने निकाला? तो महेश नारायण ने। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है तो आप ज़रूर इस पर ध्यान दें। अपने पत्र के माध्यम से बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग करने लगे। 1894 में उन्होंने बिहार के उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट के समक्ष बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाने का ज्ञापन दिया। परंतु राज्यपाल ने क्या कर दिया? ज्ञापन को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, बिहार अलग नहीं होगा बंगाल से। उसको क्या करते थे? रिजेक्ट कर देते हैं। अस्वीकार कर दिए जाने के बावजूद सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण आदि बिहार के अलग राज्य का दर्जा हेतु वातावरण तैयार करते रहे। मतलब उन्होंने आंदोलन को अपने नहीं रोका, आंदोलन को चालू रखा। और फाइनली 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल में इसका प्रभाव अत्यधिक था। अंग्रेजी सरकार को काफ़ी राजस्व की हानि होने लगी। इससे वायसराय लॉर्ड कर्जन बंगाली आंदोलनकारियों से नाराज हो उठा। हिंदू बंगालियों को प्रताड़ित करने की नियत से उसने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का बंटवारा करने का मन बना लिया। किसने बना लिया? तो लॉर्ड कर्जन ने बना लिया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और तेज हो गई। इस दौरान 1904 में सच्चिदानंद सिन्हा का एक लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविजेंस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ। इसी शीर्षक का दूसरा लेख 1905 में महेश नारायण ने प्रकाशित किया। इन दोनों विविधतापूर्ण लेख के आधार पर एक पुस्तक की रचना की गई, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। इस पुस्तक ने शिक्षित बिहारियों युवकों में जोश भर दिया और वे बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए सभा सम्मेलन करने लगे। मतलब फ्रेंड्स, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी किताबें लिखी, विज्ञापन दिया और साथ ही साथ हर तरह की कोशिश की कि बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिले। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद प्रभावशाली बिहारियों, विद्वानों आदि ने भागीदारी होने लगी, जिससे एक वातावरण का निर्माण हुआ। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1910 को भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की देखरेख में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य की दर्जा देने की मांग की गई। अंग्रेजों ने इस संबंध में विचार विमर्श शुरू कर दिए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार आयोजित हुआ। इस शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत को एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई। कब की गई फ्रेंड्स? तो 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई कि अब बिहार और प्रांत को अलग अलग कर दिया जाएगा। बिहार राज्य गठन के संबंध में 22 मार्च 1912 फ्रेंड्स, यहां पे मैं ये डेट को मेंशन करूंगा, 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी कर दी गई। यही 22 मार्च है फ्रेंड्स जो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बिहार का गठन हुआ था। तो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है 22 मार्च 1912 को कि ओडिशा सहित विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी कर दी गई कि ओडिशा और बिहार अलग हो जाएगा। अधिसूचना जारी होने के पश्चात 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का ओडिशा सहित औपचारिक गठन कर दिया गया। फॉर्मल डिवीज़न हो गया किसका? तो बिहार का और ओडिशा का। और राजधानी किसको बनाया गया? पटना इसकी राजधानी बनी। ओडिशा बिहार के साथ जुड़ा था, उड़ीसा बिहार के साथ जुड़ा था, किंतु 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा 1936 में बिहार से बिहार में सॉरी 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा से अलग बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बना।
बिहार से स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया। आगे बात करते हैं, मई 1948 में उड़ीसा के सरायकेला खारसावा जिले को बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि पार्टीशन के बाद किसको ऐड किया गया, तो 1948 में उड़ीसा के सरायकेला खारसावा जिले को बिहार राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। तो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप रखेंगे ध्यान में, क्योंकि 1936 में ही इसका बंटवारा हो जाता है, लेकिन बाद में 1948 में उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों को बिहार में मिला लिया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1955 में भाषा के आधार पर बिहार बंगाल राज्य की सीमा निर्धारित किया गया। दोबारा से आज़ाद होने के बाद आयोग के सुझाव पर बिहार के 3A 166 वर्ग मील भूमि बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा, जिसमें धनबाद जिले के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला महानंदा नदी के पूर्व स्थित किशनगंज का पूर्वी भाग शामिल था। तो फाइनली करने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें दोबारा से फ्रेंड्स बिहार के कुछ ज़मीनों को बंगाल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें क्या है धनबाद जिले के चास थाना के क्षेत्र को संपूर्ण पुरुलिया जिला महानंदा नदी के पूर्व स्थित किशनगंज का पूर्वी विभाग भी शामिल था। इस तरह से फिर दोबारा से बंगाल को देना पड़ता है। 15 नवंबर 2000 को एक बार और विभाजन होता है, जो बिहार को दो भागों में विभाजित होता है। बिहार दक्षिण बिहार के 46% भूभाग को अलग कर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य बनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनाया जाता है, जिसकी राजधानी रांची है। आगे बात करते हैं, इस तरह करीब 1000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक बिहार के कई प्रकार का उत्थान पतन से गुजरना पड़ा है। 15 नवंबर 2000 से बिहार वर्तमान स्थिति में है। तो ये पूरा आपने देखा फ्रेंड्स कि और पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, इस तरह आपने फ्रेंड्स इस पूरे चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट्स को देख लिया, आपने थ्योरी पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या है, कैसे किस तरह से आधुनिक बिहार राज्य का गठन हुआ। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाते हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व प्रशासन प्रदान किया गया, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त 1765 को। अगला सवाल देखते हैं, कंपनी सरकार की राजधानी थी, तो कंपनी सरकार की राजधानी क्या थी, तो उसने कलकत्ता को राजधानी बनाया था, जिसकी वजह से बंगाल का वर्चस्व बढ़ गया था बंगालियों का। तीसरा सवाल देखते हैं, बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते प्रशासन में किनका वर्चस्व स्थापित हो गया, तो जैसे मैंने अभी कहा फ्रेंड्स किसका वर्चस्व स्थापित हो गया था, तो बंगालियों का। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंगात्मक टिप्पणियां हुआ करता था, बताइए फ्रेंड्स कौन सा वो समाचार पत्र था, तो वो था बिहार टाइम्स। किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था, बताइए फ्रेंड्स किसका, बहुत आसान है आप गेस करें, तो एंड द करेक्ट आंसर इज महेश नारायण ने बिहार टाइम्स का संपादन किया। आगे बढ़ते हैं, बिहार टाइम्स कब निकलना शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1894। फ्रेंड्स मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, ऑप्शन में टाइम जाता है इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, आप ऑप्शन खुद से देख लें और उसके बाद बनाएं प्रैक्टिस करें। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था, तो कौन थे फ्रेंड्स, तो लॉर्ड चार्ल्स इलियट थे। आगे बात करते हैं, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविजेंस एंड द अल्टरनेटिव प्रपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था, यह किसके द्वारा लिखा गया था, क्वेश्चन नंबर 8, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सचिदानंद सिन्हा। नौवां बात करते हैं, बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था, बहुत आसान है, तो वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। आगे बात करते हैं, सचिदानंद और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने के संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था, बताइए फ्रेंड्स। चार ऑप्शन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, पार्टीशन ऑफ बिहार एंड सेपरेशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बिहार एंड बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन हुआ और बिहार का सेपरेशन हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर सवाल देखते हैं, तो ये हमारा 11 नंबर सवाल, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई, यह अधिवेशन कब भागलपुर में हुआ था, तो 9-10 अप्रैल 1910 को हुआ था भागलपुर में। आगे बात करते हैं, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहाँ हुआ था, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में हुआ था। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार का उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई, तो वो की गई थी 12 दिसंबर 1911 को की गई थी।
बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1912। और यहाँ पे फिर से मैं नोटिस करता हूँ फ्रेंड्स कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन किया गया था, कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का औपचारिक गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, बिहार को उड़ीसा को अलग किया गया, कब किया फ्रेंड, कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1936 को औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया था। बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, तो सरायकेला और खरसावा था, इसको बाद में 1948 में जोड़ा गया बिहार में। आगे बात करते हैं, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य बनाया गया, तो मैंने अभी बताया फ्रेंड्स कितना परसेंट था वो, 46% भूभाग को काट करके झारखंड राज्य बनाया गया। आगे बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को, मतलब ये बिहार है, ये नॉर्थ बिहार और ये साउथ बिहार, तो साउथ बिहार को काट के 46% भूमि को काट करके नया राज्य बनाया गया जिसका नाम झारखंड रखा गया, और कब किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को। और ये हमारे इस टॉपिक का आखिरी सवाल है, बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, राबड़ी देवी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस टॉपिक को हमने पढ़ा, इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।